हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। इस टाइम हमारा जो टाइम हो चुका है, यहाँ जाने का 8:27 हो चुका है। 8:45 तक का टाइम दिया गया है यहाँ जाने के लिए, और अम्बाला के लिए हम निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि हम जाना चाहते थे कल ही, लेकिन निकल नहीं पाए घर से, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हो जाने के कारण हम लेट हो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा जल्दी, तो इसी कारण एब्सेंट ज़्यादा होने के कारण हमें दिक्कत आ सकती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा देर से सही, लेकिन जल्दी निकलना पड़ेगा। मैंने वहाँ से निकल गया, आज 8 बजे निकल गया था वहाँ से, तो 8:30 बज चुका है, और करीबन 8:30 9:00 यहाँ से ट्रेन आ जाएगी, 9:30 हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी है 15-20 मिनट मेरे पास समय, 15-20 मिनट में हमारा ट्रेन आ जाएगा। अभी हम रेलवे स्टेशन पर हैं। रास्ता आने समय इसलिए शूटिंग करते हैं ना कि चोर बाजार सब समझते हैं, चोर उर करने वाला बहुत ज़्यादा रहता है, तो चोरी उरी कर लेता है ना, मोबाइल सीन छोर लगा तो हम बिना वीडियो बना नहीं शूट कर पाएंगे। मैंने कहा ऐसा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शूट कर लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी ट्रेन आने में थोड़ा समय है, तब तक वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद मिल लेंगे आगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट क्या, थोड़ा देर के बाद ही आपसे क्लिप लेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी मैं रेलवे ट्रैक पार करूँगा थोड़ा सा एसी होकर के, क्योंकि हमारा से बहुत दूर ज़्यादा है, तभी ट्रेन आ रही है फर्स्ट फ्लोर। तो मैंने पार्ट 1 पे आपका स्टेशन पे है, अभी पार्ट 2 पर आएगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अभी देखो आ गया, वैसे तो अलाउ नहीं होता ऊपर से नीचे पार करने का, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से इस फ्लॉर्म कच्चा कच्ची आ नहीं सकते, देख लेगा तो 100-200 रुपये का फाइन बांध देता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में साहस करके निकल जाते हैं, और अभी सिस्टम गाड़ी वाड़ी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पार कर गया वहाँ से, और देखते हैं कितना भीड़ होता है इसका। अभी तो पता नहीं कितना भीड़ होगा, क्योंकि 8:45 का गाड़ी का समय है, तो करीबन होना चाहिए, हमको उम्मीद है कि भीड़ ना ही हो तो सही है। और मैंने कहा चल कोई बात, भीड़ ना हो तो अच्छा है, कहा हमको अच्छा रहेगा मेरे को जाने आने में। अब भीड़ हुआ तो भाई साहब मेरी नासे नतीजा टूट जाएगी, फिर पूरी रात एक तो सफ़र में जगना और पूरी सफ़र में फिर चलना और माथा ख़राब करता है दोस्त। तो स्टेशन पर है, देख लो पूरे प्लेटफॉर्म पर है। तो हम लोग ने कहा कि अभी तो कितना यार, एक चीज़ है कि बहुत करने पर है ना, सिलाव समझा पाया हूँ कि मतलब जो है ना, 1 महीना और लगा, 1 महीना के बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा मान गई, कहे कि ठीक है 1 महीना के लिए, और 1 महीना के बाद हम फिर रुकेंगे नहीं। हमने कहा 1 महीना के बाद ही हम जाएंगे यहाँ से, और पूरा खरी खाली कर देंगे सीधा, कि बार बार का झमेला से झंझट से हम दूर होना चाहते हैं। उन्होंने कहा, उसने कहा ठीक है ऐसा है, 1 महीना के बाद ही आप आइए आराम से, तब चलेंगे साथ में। अब उसने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है तब तैयार हो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो अभी 12:25 हुआ है, अभी हम वहाँ से सफ़र में निकल, मतलब कि वहाँ से नरेला से हम आ गए यहाँ अम्बाला, और अम्बाला जब आए तो वहाँ पर हमको जगह नहीं मिला, तो हम आ गए बस स्टैंड आने के बाद यहाँ पर हमको मिला सीट अभी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। अब यहाँ पर ही हम अब 12 बजे से आराम करेंगे, वही 6-7-8 बजे तक, 8 बजे तक रहेगा मिनिमम, 8 बजे तक आराम आराम करेंगे, 8 बजे के बाद हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो 8 बजे से मेरा बस हमको मिल जाएगा यहाँ तत्काल के लिए, ठीक है। तो अभी है समय मेरे पास तो 7-8 घंटा, तो मेरा आम के 7-8 घंटा हम आराम से सोते हैं, 7-8 घंटा सोने के बाद है ना सब यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए हम आराम आराम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं सुबह में, क्योंकि हम इतना 8 घंटा तो आपको दिखाएंगे नहीं वीडियो वीडियो में। हमने कहा 8 घंटा कैसे गुजारनी है यहाँ पर, तो वही हम विचार कर रहा था, लेकिन मेरे पास व्यवस्था को विचार नहीं आया, तो मैंने कहा थोड़ा आराम आराम कर लेते हैं, क्योंकि 8 घंटा यार मतलब सफ़र मतलब वेस्ट करना इतना जल्दी आसानी नहीं होता, 8 घंटा काफ़ी होता है। तो मैंने कहा ऐसा है कि 8 घंटा हम यहीं पर उधर तान देंगे फादर के लिए, सो जाएंगे भर पेट, तो मैं चलो ठीक है तो सोते होते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको सुबह, हम दिखाएंगे यहाँ ना जा रहा। हम वहाँ से निकल गए थे तो 8 बजे वहाँ से निकले थे, सफ़र में बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए मोबाइल भी निकाले, वहाँ पर शूट भी नहीं किया। हो गया क्या जानते हो, वहाँ पर हो गया मारपीट, अब मारपीट हो गया सीट के लिए, इतना ज़्यादा मारपीट हो गया ना कि एक दूसरा कॉलर पकड़ा पकड़ी हो गया। हम कह यार हम करें क्या, वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते थे। मैंने कहा मेरा मन किया वहाँ वीडियो शूट कर ले, लेकिन फिर मन में हुआ कि नहीं, कभी किसी ने देख लिया तो बोलेगा कि वीडियो शूट कर रहा है, मारपीट झगड़ा उल्टी का। तो मैंने कहा इस सब टेंशन से हम अपना दूरी रखेंगे अपने आप को,
तो मैंने एक साइड से अपना भाई साहब 5 घंटे में लगातार खड़ा रहा, खड़े खड़े वहाँ से आया हूँ यहाँ पर, और बस में 1 मिनट भी बैठने का जगह नहीं मिला मुझे, इतना ज़्यादा भीड़ था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो। मैंने कहा चल अब सुबह ही वेट करेंगे, सीधा सर बताएंगे आपको कहानी। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब वहाँ से हम चल रहे थे ना, तो मतलब यार कितना भी है यार, घर में आना दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, समझते हो। अब वो भी है घर में अकेली रहती है शीला भी, अब हमेशा उसका भी तबीयत ख़राब रहता है, तो उसका मन नहीं लगने लगा, तो हमारे तो रोने लगी पकड़ करके, कह रही है कि बार बार आते हो बार बार चले जाते हो, तुम ऐसा करो कि वहाँ से जल्दी काम ख़त्म करके वहाँ निकलो। तो हम बोले कि अब देखो 1 महीना का और समय मांगे हैं हम, के लास्ट 1 महीना और लगेगा, 1 महीना के बाद वहाँ से हम क्लियर काम ख़त्म करके सर हम वहाँ फिर पुनः बल्लेपुर पहुँच जाएंगे। तो दोस्त क्या करे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उसे उस तरह की, दिल तो मेरा भी उदास रहता है यार, लेकिन करे तो करे क्या, एक मजबूरी है होती है एक ऐसे इंसान की कभी कभी ना ज़िंदगी में दोस्त, कि जो हम चाहते हैं वो काम कर नहीं सकते। तो मैंने कहा ऐसा है चलो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चला लो अभी 1 महीना, 1 महीने के बाद हमारा उधर से काम ख़त्म करके उसका फिर पुनः वहाँ चले जाएंगे। तो मान गई है किसी तरह और कहा कि चलो चलिए अब ठीक है, आइएगा तब चलेंगे यहाँ से। हम कहे चलो ठीक है, तो चलिए अभी उतार के लिए आराम आराम कर लेते हैं आपसे हम, दादा हम आपसे क्या बताएं अभी, अब देखते हैं आपको कितना देर लगेगा आते, अभी भी 2 घंटा का सफ़र है मेरा यहाँ से, अब यहाँ से बस का सफ़र मिलेगा हमको 1 घंटा वहाँ फिर आधा घंटा वहाँ, तो हम क्या बताएं, चलिए क्या बताऊँ यार। सुबह सुबह तो यार यहाँ तो रात भर तो पहले बात सो नहीं पाए हैं, हालत वैसे ख़राब है, ऊपर से एक बार तो गाड़ी वाला ने इतना आवाज़ देता है ना, पों से पूरा कान झंझना जाता है यार, मैं सो नहीं पाया हूँ कसम से, ये पों पाँ के वजह से पूरी रात जगा हो गया यार। सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है, बैग उग है, कुछ पैसे कौड़ी हैं बैग में रखे हुए, अगर लेके भाग गया यार फिर तो यहाँ जाना ही मुश्किल हो जाएगा, ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, इसके वजह से जगा रहना पड़ गया पूरी रात। जग करके सुबह उठाऊँ और तेरी बारिश के बूंदे टपक रही है, बताओ मुझे जो वहाँ जाना भी है, अगर बारिश पड़ गई ना भाई साहब कसम से बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। स्टार्ट तो हो गई यार, बूंदा बूंदी देख रहे हो, बूंदा बूंदी गिर रही है, स्टार्ट हो गया है। अब पता नहीं बारिश अगर होता रहा ऐसे करके तब तो फिर मूड ख़राब हो जाएगा पूरा कसम से, आज मेरा है ना वहाँ से निकलने का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला है। मैंने सोच रहा था कि पता नहीं ठंड सी भी लग रही है यहाँ, बारिश पड़ने का मतलब ठंड, यहाँ मौसम दूसरा बदलाव होता है, अब बारिश ठंड हल्का ठंड लग रही है यहाँ पर। मैं सोच रहा था कि इधर वाला काम जल्दी से पहुँच जाता तो मैं सही सही फटाफट अपने सब जगह पहुँच जाता तो सही रहता यार, मैं कहाँ आगे फंस गया हूँ अभी। 7:30 बजे का बोल रहा है बस है, अब तो और दिमाग ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे। दोस्त कभी कभी तो इंतज़ार करना, ये अगर 1 मिनट भी अगर आपके कोई चीज़ लेट हो जाता है ना तो आपको लगता है कि 1 मिनट वेट करना कितना दिक्कत होता है, और मेरा समझो कि हम रात भर वेट किए हैं और 10 मिनट अब जाके 6 बजा है और 5:30 हमको यहाँ 5 बजे उठा दिया यार, झाड़ू उड़ू वाला आया सफाई वफाई करने वाला तो सफाई वफाई कर रहा था तो मतलब हमको उठा दिया। अब कहा चलो यार जब उठा दिया तब करे तो करे क्या, अभी भी नींद आ रही है यार, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ नींद में उठ करके, हंसी आ रही कभी कभी। सोचता हूँ कभी कभी यार जिंदगी भी क्या चीज़ है, आ जा यहाँ कुत्ते देखो मैं भूग रहे हैं भाई, कितना दिन खराब आ गया ये सारे कुत्ते देख लो, अबे बैठा हूँ थोड़ा से यहाँ पर आकर के था वीडियो शूट करने के लिए, अगर ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चल रही है ना उसका आवाज़ की वजह से मैं साइड में आ गया हूँ, आवाज़ आ रही है ना उसके वजह से इधर आया हूँ। अबे सर्दी है, अरे यार कितना नींद आएगा यार, बोलते बोलते हाफी आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद थक गया हो यार, क्या कहूँ बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जो वाजिब बात है वाजिब बात है।
सोया नहीं हूँ तो मुझे अक्सर बाहर ठंड लग रही है यार। मैं बाहर जब भी निकलता हूँ ना तो मेरे को जब सोने के लिए जब मिलता है ना तो अक्सर मैं बाहर में देखा हूँ मेरे को नींद नहीं आएगी। चाहे तुम हमको घर में, जब तक मुझे ऐसा फील ना हो कि जब तक मैं घर में हूँ तब तक मुझे कभी भी नींद नहीं आ सकती। मैं पूरी रात जगा रह जाऊँगा, मुझे ऐसा फील होता है। घर में जैसे आऊँगा, माँ एक बार जहाँ आँख बंद हुई कहानी ख़त्म हो गई। ऐसे जल्दी मेरे को घर में भी नींद नहीं आती है। बाकी बताऊँ सच्चाई बात, दिल की बात, मुझे नींद आती नहीं जल्दी। मुझे नींद क्यों नहीं आता है जल्दी पता है? बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है यार, जब सोता हूँ ना तो बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है। उस बात को लेकर क्या है ना, नींद नहीं आती है। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करें, ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या ऐसे ही चलेगा समय है, यही सब बातें, बहुत सारी बातों को दिमाग में सोचता हूँ ना तो नींद नहीं आती है यार। लेकिन सब बातें किससे बोलूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ, चुपचाप बस दिमाग में घूमता रहता है। बेड पर जाऊँगा ना बहुत सारी बातें दिमाग में आएगी। 4-5 साल बीत चुके हैं, अभी तक कहीं पहुंचा नहीं हूँ, कोई रास्ता नहीं है, कुछ करने का ठिकाना नहीं है। 10-15-16 हज़ार रुपये कमाता हूँ, 15-16 हज़ार में पूरी ज़िंदगी नहीं कटेगी ना यार, अब समझ सकते हो, समझो। अब तो ये आंधी भी अन्याय कर रहा है पूरा एकदम। यह धूल चली गई आंखों में यार, गर्दे उड़ रहे हैं। तो चलो अंदर चलते हैं, इसमें जाना है अंदर। तो अभी आ गए हैं बस स्टैंड पर, बस में बैठ चुके हैं कंकड़ माजरा के लिए, और करीबन आधे घंटे 10-15 मिनट लग सकता है आने में। तो मुझे जहाँ से मैंने बस चढ़ा था वहाँ पर तो बारिश होने लगी, आने तूफान की वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं शूट नहीं किया था वहाँ पर। मुझे वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी ज़्यादा, क्योंकि धूल कण ज़्यादा उड़ने की वजह से आँखों में चली गई थी, तो मैंने थोड़ी देर रोक दिया, मैंने किया ही नहीं। फिर उसके बाद रास्ते में मैंने कहा थोड़ी ज़्यादा थोड़ी आँखों में नींद आ रही है यार, रात भर के जगह हूँ, रास्ते का सफ़र करते करते थक जाता हूँ यार, आने का तो वजह मन नहीं करता यहाँ पर मेरा, तो मैं आ भी जाऊँ, नहीं मजबूरी है ये जगह पे भी आना। मैंने कहा चल किसी तरह आ जाना है, एक महीने और काम करने हैं, बस एक महीने के बाद यहाँ से रास्ता नाप दूंगा मैं सीधा सीधी। अब देखते हैं कितना देर में यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, खाना मुश्किल है, देखता हूँ कहा पैसेंजर भरेगा तब जाएगा, पैसेंजर तो खाली है पूरा। भैया कितना देर में खुलेगा? अभी तो आधा घंटा बाकी, आधा 8 बजे बता रहा है, 8 बजे बस खुलेगी, ये पूरा पैसेंजर खाली है, पूरा बस भरेगा, 8 बजे से भरेगा, उसके बाद खुलेगी। पूरी जानकारी तो अभी सही आया है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं देखता हूँ, 8 बजे तुम्हें खुल जाती है ठीक है, वही 8:30 बजे तक पहुँचूंगा, समझ सकते हैं। चले मिलते हैं आपको कबड्डी पे, कोई मेरे बच्चे यहाँ जाकर सबसे पहले सोऊंगा दोस्त, पर निभोर नाश्ता करने के लिए बोल दिया, रोटी ला के रख लेगा नाश्ता कैंटीन का, खाना खा के मैं सो जाऊँगा सीधे सीधे घर, अगर तेरे रात के नींद जगी हुआ जगह हुआ कल से फिर आए सोऊंगा तो फिर आ।